गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 में कल हमने संस्कृत परिचायिका का पाठ पढ़ाया था, संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है। और इसका हमने आधा पाठ पढ़ा दिया था, आधा बचा था, उस आधे पाठ को आज हम पढ़ाते हैं। देखिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और इसके अर्थ को कॉपी पे नोट करते जाइएगा, ठीक है। लिखा है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भाव भूत सामर्थ्य मल्टी श्रुति माधुर्य वर्तते। तस्य गद्ये पद्ये, उसके गद्य और पद्य में, उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, क्या अधिक कहें या क्या अधिक कहा जाए। चरित निर्माणार्थम यादृशीम सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम् ददाति न तादृशी किंचित दयन्त। क्या अधिक कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम्, संस्कृत साहित्य वाङ्मयम् माने होता है साहित्य, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशी किंचित, वैसा अन्य कोई नहीं देता है। क्या अधिक कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसा अन्य कोई नहीं देता है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यह दृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते है या विद्यमान है, न अन्य तादृशी, वैसी अन्य कहीं नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में विद्यमान है, वैसी अन्य कहीं नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य चाने के गुणा अस साहित्य समशीले ने संजायते। दया दान शौचम में सुता पवित्रता, दया दान पवित्रता, औदार्य में सुधारता, अनसूया में घृणा न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण चाको पहले ले आएंगे, ठीक। यानी दया दान पवित्रता उदारता घृणा ना करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इसके साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं, साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। आगे लिखा है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास अन्य चा भास भार विभव भूत्यादयो महाकव्या सुकीय ग्रंथ रत्न अध्यापक पाठका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के कष्टी भक्ति है, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य, लिखा है अन्य चा और अन्य भास भारव भवभूत आदि, भवभूता देव लिखा है भवभूत आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारव भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीय वंदनीय च। यह भाषा, इयम भाषा, ये भाषा अस्माभिः मातृसम हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा, देव भाषा। ये भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। आगे लिखा है यतो भारत मातु स्वतंत्रयम गौरवम अखंडत्वम संस्कृत सांस्कृतिक मेकत्व संस्कृते ने सुरक्षितम सक्रते। यतो मीन्स होता है क्योंकि, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता,
क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है, लिखा है सकनते मैं हो सकती है, यानी क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठता श्रेष्ठाच्छा। इयम संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा सर्वास भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम श्रेष्ठा चा को पहले लेंगे, प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है तथा सुष्टुक्तम, अतः ठीक ही कहा गया सुष्टुत्तम माने होता है ठीक, अतः ठीक ही कहा गया है भाषा मुख्य मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी या संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। समझ में आई? गिरवार वाणी किसे कहा जाता है? भारतीय देववाणी। यानी ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा या देववाणी है। ठीक, तो बच्चों ये आज का चैप्टर था जो कि समाप्त हो गया। चैप्टर तुम्हारा था संस्कृत भाषा या महत्व, इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। ये चैप्टर आज पूरा हो गया, आगे कल कोई और चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू।